हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप जो है तेल लगाना तक भूल जाएंगे, कोई भी मेहंदी डाई लगाना भूल जाएंगे। बस आपको जो है कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे जिससे कि आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक जो है मैंने एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं या किसी काली कढ़ाई पे बना सकते हैं किसी भी, पर याद रखिएगा किसी भी स्टील की कटोरी जिस जो इस तरीके की मैं आपको दिखा दूँ जैसे स्टील की कटोरी होती है, इस टाइप की बिल्कुल भी मत बनाइएगा। जिससे क्या होता है कि इससे अच्छे से कलर नहीं आ पाता। हम इसमें अगर थोड़ी सी देर के लिए इसको इसमें रहने भी देते हैं तब भी हमारे बाल जो है अच्छे से काले होने शुरू हो जाएंगे। दिखा देती हूँ जूम करके कि किस तरीके का व्हाइट कलर का इस तरीके का बॉक्स है। देखिए अब मैं इसके अंदर जो ऐड करने वाली हूँ वो है सबसे पहले हिबिस्किस पाउडर। हिबिस्किस पाउडर आपको पता ही होगा कि बालों को लाल और सिल्की करता है, साथ के साथ बालों को नेचुरल तरीके से एक अच्छा सा एक कलर दे देता है, और बाल हमारे जो ड्राई है वो हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, हिबिस्किस जो है मैंने फ्लावर पाउडर ले रही हूँ, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, नीचे लिखा भी है। आप इसे जो है अमेजोन या फ्लिपकार्ट में स्नैपडील में कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा नजदीक से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देख सकते हैं आप, इस तरीके का हिबिस्किस पाउडर ले रही हूं मैं। हमें 1 से 1.5 चम्मच लेना होगा। अब आपको पता है हिबिस्किस पाउडर से जो क्या होता है कि हमारे बालों में जो भी डर्टी होता है, डर्ट हो जाता है, फ्री जो होते हमारे स्कैल्प होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, और हमारे नेचुरल एक ग्लोइंग शुरू हो जाता है बालों के अंदर, एक जो है सिल्कीनेस आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि प्रमोट करता है हमारे न्यू जो हेयर ग्रोथ के लिए भी, साथ के साथ जो है ये बहुत ज्यादा क्लींस कर देता है हमारे स्किन को भी, और साथ के साथ हमारे बालों की जो स्कैल्प है उसको। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर विटामिन सी होता है, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, और जो बिल्कुल ये जो हमारे बालों के एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ मैंने जो है ये लिया है हिबिस्किस पाउडर। अब देखिए सेकंड चीज जो मैं लेने वाली हूँ वो है मेहंदी। मेहंदी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो है नेहा मेहंदी है, तो आप ये नेहा मेहंदी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं इस तरीके का मैंने नेहा मेहंदी ली है। नेहा मेहंदी क्या होती है कि हमारे जो बालों को एक कलर देता है नेचुरल तरह का, बालों में एक रेडनेस नहीं आता है, बिल्कुल नेचुरल ब्लैक होना शुरू हो जाता है, सफेद बालों को जड़ से काला करता है, इस तरीके का है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ये ले रही हूँ मेहंदी, 1 ही चम्मच लेना, क्योंकि हमें सिर्फ सफेद बालों पे लगाना, ना कि हमें पूरे बालों पे लगाना। अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे बालों पे लगाऊं तो आपको क्या किया इसकी सभी की क्वांटिटी को डबल कर दीजिए, जहां मैंने 1 चम्मच ली वहां आप 2 चम्मच ले सकते हैं। तो अब साथ के साथ मैं इसके अंदर ले रही हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको पता है विटामिन सी होता है, आप इसके अंदर ऑरेंज पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छा काम करता है। तो मैं जो आंवला पाउडर ले रही हूँ, विटामिन सी अच्छा होता है, हमें जो है दही नींबू ऐसी चीजें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर आंवला पाउडर ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बालों को जो बहुत ही अच्छा एक कलर ला देता है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके का जो कलर बनने वाला है। आप इसके अंदर जो कॉफी पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नारियल तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा सरसों तेल ऐड करने वाली हूँ, स्पेशली अगर आपके पास नारियल तेल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डालूंगी, 1/2 चम्मच के करीब, जिससे क्या होगा कि हमारे बालों के अंदर जो स्कैल्प में जाके जो बालों में जो ड्राइनेस और डैंड्रफ है उसको सारा रिमूव कर देगा। अब आपको पता है जिस तरीके से सरसों का तेल खाने के लिए अच्छा था, उसी तरीके से बालों पे और स्किन के लिए भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे जो बालों को जो है स्कैल्प को काला करता है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब देखिए लास्ट चीज जो मैं लेने वाली वो है हरड़, देख सकते हैं आप इस तरीके का है, थोड़ा सा इस तरीके का ये हरड़ है। मैं इसमें जो 1/2 चम्मच के करीब लूंगी, इससे क्या होने वाला मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ जो हरड़ ले रही हूँ, ये जो इसके अंदर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, न्यूट्रिशन इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, और हमारी जो हेयर की जो स्कैल्प होती है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सभी से उससे निजात पा देता है, और साथ के साथ अगर डैंड्रफ ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। ये जो है ना हरण हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि स्किन पे अगर आप लोगों के बहुत ज्यादा जो पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, अगर आप हरण
के पाउडर को अगर पानी में अगर थोड़ा सा घोल लेते हैं तो देखिएगा रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है उन सबको करने के लिए। वैसे मैं स्किन के लिए भी अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगी तो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो ये देखते देखते अच्छी लग जाए, यूजफुल लग जाए, तो प्लीज इसे जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा नारियल तेल भी ऐड कर रही हूँ। अगर जैसे आपको पता है विंटर्स में सर्दियों में स्पेशली जो है नारियल तेल जम जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है नारियल तेल ले रही हूँ इस तरीके से, वो इसमें आपस में घुल जाएगा क्योंकि जब ये आपस में जब मिक्स करूंगी तो ये अच्छे से हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऐड करना होगा, इसमें मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऐड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी को जितना कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब मैं इसके अंदर जो इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा आप इसे गाढ़ा सा पेस्ट रखिएगा, स्टिकी सा, जो लगाने में बहुत ही आसान हो। तो ये बनाने में तो बहुत ही ईजी है, बस इसी तरीके से आपको उनको बनाना है तो आप लगा सकते हैं। और मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप डिटेल देख सकते हैं। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकती हूँ, नहीं तो अगर आपके पास नारियल तेल है या सरसों तेल है वो दोनों को भी ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आपको उसी तरीके से मिलेगा। पर पानी जितना कम यूज करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि जल्दी से कलर नहीं आ पाता है। देखिए मेरा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। बस इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये नारियल तेल में बस आपको कुछ चीजें आपको ऐड करनी होगी जिससे कि आपके सफेद बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे, या सरसों तेल में बस कुछ चीजें ऐड कर दीजिए। देखिए ये इसको जो है मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रेस्ट दे दूंगी, उसके बाद देन आप इसे जो है लगा सकते हैं बालों पे। और आपको क्या करना है, 20 मिनट इसको अपने बालों पे लगाइएगा, रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से आपका सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो हम लोगों के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।